बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री की क्लास में आप सब लोगों को फिर से वेलकम करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शंस के बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि बेस कैटालाइज रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ये एसिड कैटालाइज रिएक्शंस भी हो सकते हैं और बेस कैटालाइज रिएक्शन भी दे सकते हैं। तो हमने बेस कैटालाइज मैकेनिज्म पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म के बारे में कि इट इज़ एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एसिड कैटालिसिस का मतलब क्या है कि एसिड ने इस्तेमाल होना है, एसिड ने एज ए कैटालिस्ट यूज़ होना है। तो एसिड क्या करता है, सबसे पहले आपको एक अच्छे एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि एक अच्छा एसिड वो होता है जो इजीली आसानी से अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही होगा कि एक एसिड होगा, एसिड अपना प्रोटॉन आसानी से डोनेट कर देगा। प्रोटॉन डोनेट का क्या मतलब है कि वो अपना एच पॉजिटिव एक रिलीज़ कर देगा, वही एच पॉजिटिव जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, ठीक है, सेम रहेगा, उसके करीब जाएगा। जैसे ही एच पॉजिटिव इसके करीब जाएगा, ऑक्सीजन के पास आपको पता है दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स एक्साइटेड होकर इसके ऊपर अटैक कर देंगे। जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के एक लोन पेयर मौजूद है, दूसरा लोन पेयर मौजूद नहीं है क्योंकि उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और यहाँ पर शिफ्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। ठीक है, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर दो लोन पेयर्स आपको वाजह तौर पर नज़र आ रहे होंगे, जबकि कार्बन का एक कार्बन ने तीन बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का गायब है। तो कार्बन के ऊपर आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये स्टेप वन कन्वर्ट होगा स्टेप टू के अंदर। स्टेप टू के अंदर क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आसानी से उसके ऊपर अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी जिसे आप लोग एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं और एडक्ट भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और OH ग्रुप साथ में इसके लगा रहेगा। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं, एक कार्बन भी हो सकती है और दोनों कार्बन्स भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ। ठीक है, तो ये आपके एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन थे। इसके बाद आगे हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड के हवाले से, क्योंकि हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स इनके अंदर बिल्कुल सेम तरह से बनती है कि HCN आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, HCN आपको नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा ये एक आप समझ लें कि डेंजरस किस्म का केमिकल है। तो हम इसको रिएक्शन के अंदर ही जनरेट करवाते हैं और जैसे जनरेट होता है वहीं पर हम रिएक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल भी कर देते हैं। तो इसको जनरेट करवाने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आप सोडियम साइनाइड लेते हैं, सोडियम साइनाइड का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। ऐसे ही सोडियम साइनाइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लेना है, वो HCl के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा आपके पास NaCl बन जाएगा और साथ में इसका हाइड्रोजन इसके साइनाइड ग्रुप के साथ मिलकर HCN बना देगा। अब ये रिएक्शन के अंदर HCN बना, HCN जैसे ही बनेगा वो फौरी तौर पर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन या फिर एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। अगर HCN फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास कुछ इस तरह की एडक्ट बनेगी जिसमें OH और CN बिल्कुल इसी तरह का है जैसे हमने एसिड कैटालाइज रिएक्शन के अंदर पढ़ा था। ये हाइड्रोजन साइनाइड, तो OH CN इस तरह की एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी, इसको आप फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कह देंगे। अगर आप एसीटोन के साथ यही वाला या कीटोन के साथ यही वाला रिएक्शन करवा देते हैं HCN का, जो कि आपको जनरेट होगी इस रिएक्शन के नतीजे में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसीटोन साइनो हाइड्रिन भी बन सकता है आपके पास। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे कि मैकेनिज्म किस तरह से होता है इसका। सबसे पहले मैकेनिज्म के अंदर आपके पास HCN तैयार होता है। यहाँ पर ये देखें, जैसे आपने यहाँ पर HCN तैयार किया, तो अब वो कहते हैं कि HCN को इतना ज़्यादा
काबिल नहीं होता, इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ये खुद ब खुद या ख़ुद को आयोनाइज़ कर सके। इसको आयोनाइज़ करवाने के लिए हमें कुछ और इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं इसको आयोनाइज़ कराने के लिए? NaCN, सोडियम साइनाइड हम यूज़ करते हैं रिएक्शन मिक्सर के अंदर, ताकि हम HCN को आयोनाइज़ करवा सकें। अब देखेंगे किस तरह से आयोनाइज़ होता है। सबसे पहले NaCN यूज़ होगा, वो आयोनाइज होकर Na पॉजिटिव और CN नेगेटिव बना देगा, यानी साइनाइड आयन बना देगा। अब ये साइनाइड आयन यहाँ पर तीन तरह से रिएक्शन कर सकता है, फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है और एसीटोन भी हो सकता है। ये सियानो ग्रुप कार्बन को देखेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, ये इसके ऊपर जाकर अटैक कर देगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो कार्बन दो बॉन्ड्स इसके कोई भी हो सकता है, एसिटल्डिहाइड की मौजूदगी में यहाँ पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हो सकती है, जबकि कीटोन की मौजूदगी में दोनों कार्बन्स हो सकती हैं। CN ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो गया और ऑक्सीजन पर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेगा ये, और नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन दूसरे स्टेप के अंदर HCN के हाइड्रोजन में से HCN में से हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे CN ग्रुप। आपके पास OH बन जाएगा CN, एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट आपके पास बन जाएगी। इसको आप साइनोहाइड्रिन कह सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन या फिर एसीटोन साइनोहाइड्रिन, डिपेंडिंग अपॉन के यहाँ पर कौन सा आपने कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ किया है। जबकि दूसरे साथ ही साथ में आपके पास CN नेगेटिव मिल जाएगा। ये CN नेगेटिव वही होगा जो आपको NaCN ने दिया होगा। ये CN नेगेटिव दोबारा से Na पॉजिटिव के साथ मिलकर आपको NaCN वापस कर देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर टोटल तीन रिएक्शंस हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो आपके पास अल्कोहल्स बनेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है तब भी अल्कोहल बनेगा। तीसरे नंबर पे कीटोन के साथ रिएक्शन है तब भी आपके पास एसीटोन के साथ अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एसिटल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और एसीटोन यूज़ करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल आपके पास तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन तीनों के अंदर चलना है। पहले आपके पास ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। आपको पता है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ विड्रॉ करता है, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये पार्शियल नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर आकर अटैक करेगी और इसके साथ बॉन्ड बना लेगी। क्या हो जाएगा, CH3CH2, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन हैं तो ये दो हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Mg से इलेक्ट्रॉन्स ये विड्रॉ कर लेगी तो Mg पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Br पे। तो Mg Br पॉजिटिव OA नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएंगे, आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी, ये H और ये H। एसिटल्डिहाइड के चक्कर में जब आप एसिटल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन की जगह पर CH3 हो सकता है, अगर कीटोन बनाएंगे तो आपके पास यहाँ हाइड्रोजन्स की जगह दोनों CH3 हो जाएंगे। आप आगे आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिडिक कंडीशंस इसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये MgBr क्या करेगा, ये OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, यहाँ पर MgOH और Br, ठीक है। ये Mg यहाँ से निकल जाएगा OH के साथ रिएक्शन करके, यहाँ पर क्या बना देगा MgOH और Br, जबकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाकर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगी, प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगी, समझ में आ गई। अगर एसिटल्डिहाइड के साथ सिमिलर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास CH3, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है वो मजीद दो कार्बन के साथ अटैच हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर आप यही वाला रिएक्शन एसीटोन के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3 जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ अटैच है तो टर्शियरी अल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शंस जो हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, एक ही तरह के हैं। आप लोग इनको देख लें, अच्छी तरह से तैयार कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।